हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीओरी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंक्स में। आज मैं आपके लिए एक ब्रांडी लाया हूँ रिव्यू के लिए। सो इस ब्रांडी का नाम है मॉर्फियस। ओके, सो अभी इस ब्रांडी के बारे में बता दूँ, जो ये ब्रांड है ये आता है रेडिको खेतान के अंदर। आइए एक बार इसमें देख लेते हैं इस पे लिखा क्या है, इसके पैकिंग में क्या है, इसके अंदर बॉटलिंग, इसका बॉटलिंग देखेंगे क्या बॉटल है, ओपन करेंगे सब कुछ हम चेक करेंगे इसमें। ओके, सो अभी जो उसमें मैं देख सकता हूँ उस पर लिखा है ब्लेंडेड रिजर्व ब्रांडी। सो दिस रिचली लेयर्ड स्टर्लिंग एक्सओ ब्लेंडेड ब्रांडी नेम्ड आफ्टर मॉर्फियस विंग्ड ग्रीक गॉड। सो मॉर्फियस जो है एक ग्रीक गॉड का नाम है, इज अ विंग्ड गॉड, सो जिनके पंख होते हैं, सो उनके नाम पे ये रखा गया है। ओके, सो अब हम बात कर लें इसके फ्लेवर्स पे, जो लिखा हुआ है रिचली लेयर्ड ब्लेंडेड, एंड इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इसका फ्लेवर तो अभी हम टेस्टिंग करेंगे, नोजिंग करेंगे, सब इसमें हम चेक करेंगे। बाकी इस पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखा है एक बार मैं आपको बता दूं, दैट इज डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, मैच्योर ग्रेप स्पिरिट। देन आपका इसमें फ्लेवर्स भी मिक्सड है, जैसे आपका हो गया नेचुरल, नेचर आइडेंटिकल एंड आर्टिफिशियल ब्रांडी भी इसमें मिक्स किया गया है। इसके लिए अब आपका इसमें रेजिन एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो रेजन्स होते हैं जैसे किशमिश आपका हो गया, उसके एक्सट्रैक्ट, उसका फ्लेवर और नेचुरल कलर्स। ओके, सो इसमें आपका ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट भी यूज किया गया है। सो दैट इज समथिंग की जो ब्रांडी में हम जनरली यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी वी विल चेक, तो हम चेक करेंगे, चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ्लेवर है, ऐसा कुछ। ओके, तो चलिए अब हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। लेकिन अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो इसका प्राइस है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 180 ml, यानी कि ये एक क्वार्टर जो है इसका प्राइस है 220 rupees, यानी कि 220 रुपए में एक क्वार्टर आपका मॉर्फियस ब्रांडी मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। ओके, अब ब्रांडी के बारे में आपको मैं बता दूं, शायद बहुत से लोग ब्रांडी के बारे में जानते नहीं होंगे। जो ब्रांडी होता है, ब्रांडी इज लाइक विस्की से, रम से बहुत डिफरेंट होता है। विस्की का बेस ग्रेन्स हो गया, रम का बेस आपका शुगर केन हो गया, लेकिन जो आपका ब्रांडी का बेस होता है दैट इज ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट ऐसे जो आपका अंगूर होता है, जो ग्रेप्स होते हैं उसके फर्मेंटेड जूस से। सिंपल टर्म्स में मैं अगर बात करूँ तो जो आपका वाइन होता है, सो वाइन को हम अगर डिस्टिल कर दें, डिस्टिल करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट मिलता है दैट इज योर ब्रांडी। तो ब्रांडी की शुरुआत समवेयर अराउंड फ्रांस में हुई थी, फ्रांस में हुआ था, और वहां पे इसे लोग कहते थे दैट इज ऑ द वे। सो ऑ द वे का मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ, बिकॉज एज अ मेडिसिन लोग इसे लेते थे, एक दवाई के तौर पे खाने के बाद लिया करते थे। सो अभी भी ब्रांडी हम खाने के बाद ही लेते हैं, जनरली इसमें हम पानी या सोडा मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ब्रांडी एज हम मीठी पीते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं जो ब्रांडी है, इसको ब्रांडी बनाया क्यों गया, बिकॉज पहले क्या होता था डच लोग, ओके, सो डच लोग जो होते थे इसको शिप से इधर से उधर ले जाते थे, तो उसके क्वांटिटी को कम करने के लिए, बैरल्स को कम करने के लिए उन्होंने इसे डिस्टिल किया। सो दैट्स व्हाई वहां से आपका ब्रांडी इन एक्सिस्टेंस आता है। ओके, सो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखकर हम इसमें बताएंगे अंदर क्या है, इसका बॉटलिंग कैसा है। तो देखिए सबसे पहले तो जो इसका बॉटल है, इसका बॉटल बहुत छोटा सा, बहुत ही प्यारा बॉटल है, जो आपका जो ब्रांडी ग्लास होता है, सो ब्रांडी ग्लास के ही शेप में आपका बॉटल है। अगर इसको इन्वर्ट कर दे तो ब्रांडी ग्लास बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, बॉटल बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा बॉटल बनाया है, इस पे आगे में आपका ब्रांडिंग दिया हुआ है मॉर्फियस ब्लेंडेड ब्रांडी, देन आपका पीछे में जो नॉर्मल आपका प्राइसिंग एंड जो इंफॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। ओके, हम बात करेंगे इसकी नोजिंग की। तो नोजिंग के लिए सबसे पहले हम इसको सील को ओपन करते हैं और फिर हम इसका नोजिंग करेंगे। तो नोजिंग से पहले मैं आपको इसका कलर बता दूंगा, क्या बॉडी है ये आपको मैं इसको बता देता हूँ, ज्यादा नहीं, ओनली 15 ml। So, जो इसका कलर है, जो कलर है इसका बिल्कुल गोल्ड कलर है, ठीक है, हल्का सा कॉपर की ओर जा रहा है, बिल्कुल डार्क भी नहीं है, तो हनी कलर इसको मैं कह सकता हूँ, हनी गोल्ड कलर में यह है आपका। और अब हम इसकी नोजिंग करते हैं, नोजिंग करके मैं आपको बताता हूँ क्या है। बाकी जो इसका बॉडी है ये आपका मीडियम
मीडियम बॉडीड ब्रांडी है। अब चलिए इसकी हम नोजिंग कर लेते हैं। सो सबसे अच्छी बात कि जैसे ही आप इसको नोज करते हो, फुल पूरी से पूरा उसमें फ्रूट्स जो होता है, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, पाइनएप्पल हो गया, देन आपका ट्रॉपिकल फ्रूट्स में ऑरेंजेस हो गए, कुछ मेलन हो गए, देन आपके ड्राई फ्रूट में रेजिन्स हो गया, आपका नट्स हो गए, प्रूनस हो गया, देन आपका बहुत से फ्रूट हो गए, प्लम हो गया, ये सारा का फ्लेवर का मिक्स पंच एक साथ आता है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। सबसे अच्छी बात इस ब्रांडिंग मुझे अभी यही लगी, इसमें सारे फ्लेवर्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट सब एक साथ पहले नोजिंग में ही आया था। एक बार फिर से नोजिंग करते हैं इसका। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स है इसमें। पहले मैं बता दूं कि जैसे जैसे इसको मैं नोज कर रहा हूं, धीरे धीरे फ्लेवर्स खुलते जा रहे हैं। ओके, सो अभी जो मैं इसमें फ्लेवर स्मेल कर सकता हूँ, जो एरोमा इसमें आ रहा है, आपने कभी ब्राउनी खाया होगा, चॉकलेट ब्राउनी, सो या फिर आप कह लो चॉको लावा, उसकी तरह इसमें अरोमा आ रहा है। चलिए फिर ट्राई करते हैं एक बार। थोड़ा सा चेरी भी मिल रहा है मुझे इसमें, थोड़े से स्पाइसेस, स्पाइसेस में आपका सिनेमन है, हल्का क्लोव आ रहा है इसमें, और एक इसमें जो आपका फ्लेवर है, मैं ऐसे कैसे बता दूं, कफ सिरप जैसे होता है ना, जो टॉनिक का फ्लेवर होता है, एक वैसा सा फ्लेवर इसमें आ रहा है। इसको हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके मैं बताता हूँ इसका फ्लेवर प्रोफाइल क्या है, ओके, इसमें क्या क्या फ्लेवर्स आ रहे हैं। पैलेट पे बहुत ही स्वीट है, स्वीट साइड बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन फ्रूटी बहुत है, बट इस वक्त इसमें मुझे जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, ज्यादातर मुझे ड्राई फ्रूट्स मिल रहा है, जैसे कि आपका रेजन्स हो गया, रेजन्स के अलावा कुछ नट्स हो गए, देन आपका कुछ जो फ्रूट्स होते हैं जिनका बहुत ही रिच फ्लेवर, जैसे चेरी हो गया, प्लम हो गया, इसका फ्लेवर इसमें आ रहा है। रेजन्स का फ्लेवर इसमें बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसमें फ्लेवरिंग एजेंट में भी रेजिन एक्सट्रैक्ट यूज किया गया, तो फ्लेवर मुझे पता चल रहा है, जिसकी वजह से इसमें गाढ़ापन आ रहा है। तो एक्चुअली जब मैं इसका बॉडी चेक किया था, उस वक्त इसे मीडियम लग रहा था, बट अभी पीते वक्त दिस इज हैवी बॉडीड, ये हैवी बॉडी साफ पता चल रहा है, ये हैवी बॉडीड आपका ब्रांडी है। ओके, आइए फिर एक बार टेस्ट करते हैं। वो जो मैंने आपको बताया कफ सिरप वाला चीज या टॉनिक में जैसा फ्लेवर आता है, वो भी आ रहा है इसमें, लेकिन बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। सेकंड इसमें आपका ट्रॉपिकल फ्रूट्स आ रहा है, हल्का सा स्मोक आ रहा है मुझे, हल्का, बिल्कुल हल्का, ज्यादा प्रोफाइल नहीं है स्मोक का, बट हल्का सा हिंट आ रहा है स्मोक का। और करेंगे कि इसमें जो आपका कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स होते हैं, जैसे आपका स्वीट पाइज हो गया, देन आपका मफिन्स हो गया, इस तरह का फ्लेवर इसमें आ रहा है, यानी कि ये प्रॉपर इसमें स्वीट है, आप इसको अपने खाने के बाद, डिनर के बाद, एज अ एपरिटिव, सॉरी एज अ डाइजेस्टिव ले सकते हैं। सो डाइजेस्टिव का मतलब कि जब भी कोई भी ड्रिंक, कोई भी स्पेशली आपका लिकर हो गया, अल्कोहल हो गया, जब आप उसको डिनर के बाद लेते हो, किसी भी फूड के बाद लेते हो, जो आपका खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव कहते हैं। तो जनरली ब्रांडी एज अ हम डाइजेस्टिव ही यूज करते हैं, सो उसके हिसाब से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छे हैं। अब हम इसकी बात कर लें इसके पेयरिंग की, इसको हम किसके साथ पेयर कर सकते हैं। सी ब्रांडी अभी मैंने आपको बताया कि जनरली या जो आपका है, किसी भी खाने के बाद ही हम इसको पीते हैं, एज अ सिप सिप इसको आप ले सकते हो, बट फिर भी आप पेयर करना चाहते हो तो आप इसको चेरीज के साथ कर सकते हो, डेट्स के साथ कर सकते हो, हाँ डेट्स का भी फ्लेवर है इसमें ऐसे, एंड देन आप इसको चाहो तो पाइज के साथ कर सकते हो, बाकी इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप चाहो तो आप सैंडविच बाकी इन चीज़ों के साथ कर सकते हो पेयर, बट जनरली ये विदाउट किसी भी किसी स्नैक्स की ज़रूरत नहीं है। इसे प्राइसिंग का ब्रांड सब कुछ देखकर मैं इसको पॉइंट देता हूँ, देन आपका इसको पॉइंट जाएगा 8,
10 में से मैं इसको 8 दूंगा, ठीक है, बिकॉज टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, फ्लेवर प्रोफाइल्स इसमें अच्छे हैं। आप भी खुद ट्राई करो, आप ट्राई करके देखो, बताओ मुझे कैसा लगता है, आप कमेंट करो, कमेंट में ये बताओ रिव्यू कैसा लगा, रिव्यू अच्छा लगता है तो बताओ क्या अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो बताओ क्या नहीं अच्छा लगा। बाकी आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को। देन टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और अब लॉन्डो वाली बात करने की, इसमें नशा होता है कि नहीं, जनरली सी ब्रांडी नशा के लिए नहीं पीते हैं, बट एज अभी जानते हैं इसमें 42.8% की अल्कोहल है। सो आप नशे के हिसाब से अगर आप सिर्फ इसको पी रहे हो तो इसमें आपका स्लो धीरे धीरे आपको नशा करेगा, मतलब आपका 5 है टाइम में हल्का हल्का नशा देगा। बाकी नशा के लिए मत पीजिए, बिकॉज ये प्रॉपर्टी अफेक्ट।